नरसिंहपुर करेली थाना अंतर्गत ग्राम कोदेसा से लापता हुए 32 वर्षीय युवक सपनेश पटेल की अर्धनग्न हालत में तालाब में लाश मिलने से मची सनसनी। अवैध संबंधों के चलते आशिक ने की प्रेमिका के पति की हत्या। मृतक की पत्नी के उसके ही रिश्ते के जीजा से थे अवैध संबंध। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। पुलिस ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पूरे मामले के अनुसार ग्राम कोदेसा का रहने वाला सपनेश पटेल 24 जनवरी को अचानक घर से लापता हो गया था और मोबाइल में आया आखिरी कॉल के मुताबिक उसके दूर के रिश्तेदार सत्य प्रकाश पटेल ने उसे बुलाया था। और पुलिस ने जब सत्य प्रकाश व मृतक सपनेश एवं उसकी पत्नी के मोबाइलों को खंगाला तो उसमें हुई बातचीत से यह पता चला कि मृतक की पत्नी के जीजा सत्य प्रकाश से नाजायज संबंध है। पुलिस ने जब सत्य प्रकाश से कड़ाई से पूछताछ की तो सारी कहानी सामने आ गई। सत्य प्रकाश ने बताया कि मृतक सपनेश की पत्नी से मेरे अवैध संबंध थे और इन अवैध संबंधों की भनक जब मृतक सपनेश को लगी तो उसने अपनी पत्नी को डांट फटकारा एवं सत्य प्रकाश का यहाँ आना जाना बंद कर दिया और यही बात सत्य प्रकाश को नागवार गुजरी। वहीं दूसरी ओर मृतक की पत्नी अपने प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी और इसी बात ने एक बड़े अपराध को जन्म दिया। सत्य प्रकाश ने प्रेमिका से मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र रचा और 24 जनवरी की रात को सत्य प्रकाश ने अपने साथी ब्रजेश यादव के साथ होटल कृष्णा के पीछे नहर के पास मृतक सपनेश को बुलवाया और धोखे से चार्जिंग लीड से गला दबाकर सपनेश की हत्या कर दी। बाद में एक कार में लाश को लेकर ठिकाने लगाने के लिए बहले गोटे गांव के पास शेर नदी पर पहुंचे और वहां पर बात नहीं बनी तो इसे लेकर यह छिंदवाड़ा जिले के हर्राई के पास मेकल सूता ढाबा के पीछे बने एक तालाब में मृतक की लाश को पत्थरों से दबाकर छिपा दिया। पुलिस ने जाकर लाश को बरामद कर शिनाख्त करवाई और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस पूरे मामले में हवलदार सुरेंद्र शर्मा की विशेष तारीफ की गई जिन्होंने मृतक की सड़ गल चुकी लाश को कड़कड़ाती ठंड में तालाब से बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने धारा 302, 120 बी, 201 के तहत मामला पंजीबद्ध कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सर क्या मामला है, लाश बरामद हुई? मामला हमारे थाना क्षेत्र के ग्राम कोदेसा का है जहां का सपनेश पटेल 24 जनवरी के दिन शाम के बाद से लापता हुआ था। इसके संबंध में जानकारी लगी थी कि सूर्य प्रकाश नाम का अमेटा गांव का व्यक्ति जो है, जो इसका दूर का रिश्ते का साला लगता है, तो वो उसके पास गया था। जो कुछ भी हालात हो, सूर्य प्रकाश से जब अपन ने इस संबंध में पूछताछ की 25 तारीख को, इस संबंध में हमारे यहाँ गुम इंसान पंजीबद्ध था, जांच तलाश जारी थी और उसी जांच तलाश में सूर्य प्रकाश से जब बातचीत की गई, कथन लिए गए, तो उसने कहा, इसने इस बात से इनकार किया कि वह उसको मिला था। फिर हम लोगों ने इसकी तकनीकी जांच कराई, इसके मोबाइल की, मृतक सपनेश के, सूर्य प्रकाश के, इसकी पत्नी के, और उस आधार पर सूर्य प्रकाश और इसकी पत्नी के बीच के कुछ संबंध पता लगे। जब संबंध पता लगे तो कड़ाई से फिर वो सूर्य प्रकाश को कल ला करके जब पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद उसने स्वीकार किया कि इसकी जो सपनेश की पत्नी है सुलेखा, उससे इसके संबंध थे, शारीरिक संबंध भी थे और उस संबंधों की जानकारी मृतक इसको लगी सपनेश को, तो वो इससे चिढ़ता था, बुराई रखता था और बुराई रखने के दौरान इसने कहा कि भाई तू मेरे से संबंध मत रख, ना ही मेरी पत्नी से कोई संबंध रख, तो यह दबाव बनाने लगा। दबाव पैसा कौड़ी इत्यादि कर्जा अर्जा दिया, उसको दबाव बनाया। बनाने के साथ साथ पत्नी भी नाराज रहती थी कि उसको उसके आशिक से मिलने में तकलीफ हो रही थी। तब फिर इन्हें एक आपराधिक षड्यंत्र कर उसको 24 तारीख के दिन यहाँ कृष्णा ढाबा, कृष्णा होटल के पीछे जो नहर है वहां बुलवाए। वो बुलवाने के बाद फिर वहां षड्यंत्र पूर्वक इसकी अपने एक साथी के सहित एक कार से पहुंचा, 40 MPB CG 4058 कार से सूर्य प्रकाश अपने साथी जो इसका हरवाहा है ब्रजेश यादव उसके साथ पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने उसको बुलवाया सपनेश को, और बुलाने के बाद फिर वहां इसकी चार्जिंग लीड जो होती है, उस चार्जिंग लीड से इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। उस हत्या करने के बाद ये जो कार थी 4058, इसमें बॉडी को उन्होंने डिक्की में छुपाया। छुपाने के बाद इन्हें सोचा कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, तो ये उसको गोटे गांव तरफ की सेड़ नदी, जबलपुर रोड, वहां तक ले गए। फिर वहां इनकी कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। इस बीच ये जो मोटरसाइकिल थी सपनेश की,
उस मोटरसाइकिल को ब्रजेश सीसी यहाँ से चलाते हुए खमतरा तिगड्डे के पास छोड़ा, फिर कार में वो भी बैठ गया था, वह भी इनके साथ सेल नदी तक साथ में था। वहां से फिर ये वापस आए जैतपुर टोल होते हुए, फिर ये परतापुर एक जगह पड़ती है हर्रई, जहाँ अपने नरसिंहपुर जिले की बॉर्डर समाप्त होती है, वहाँ एक ढाबा है मैकल सुता ढाबा, उसके सामने एक थोड़ा सा रोड से नीचे तरफ में एक तालाब है, वहाँ इन्होंने लाश को ले गए और लाश ले जाने के बाद वहाँ लाश पानी में डाली, छुपा दिए, छुपाने के बाद ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रख दिए, आजू बाजू भी पत्थर रख दिए ताकि लाश ऊपर ना आए। कल यह सब चीज इसने स्वीकार की, रात में भी हमने लाश बरामद की। हमारे एक प्रधान आरक्षक है 104 सुरेंद्र शर्मा, बड़े जीवट है, उन्होंने वो जो स्वीपर जिनको हम लेकर के गए थे जब लाश निकाल नहीं पा रहे थे इतनी कड़ाके की ठंड में, उन्होंने पानी में घुस करके उस स्वीपरों के साथ मिलकर के उस लाश को निकाला, बड़ा टिपिकल काम था। फिर लाश निकलने के बाद हमने वहां हमारे सब वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में हालात बताए थे, बताने के बाद उनके मार्गदर्शन में हमने वहां इस संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया, अपराध पंजीबद्ध किया। अब आज कार्रवाई हमारी जारी है। कौन कौन सी धाराओं में? धारा 302, 201, 120 बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह अपराध पंजीबद्ध है, इस संबंध में अभी विवेचना जारी। कौन कौन के बीच प्रेम प्रसंग था सर? प्रेम प्रसंग जो था वो सूर्य प्रकाश और सपनेश मृतक गुमशुदा की पत्नी सुलेखा के साथ इनके प्रेम संबंध थे। ये फेसबुक व्हाट्सएप की दोस्ती और कुछ रिश्तेदारी, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे आपस की मुलाकात और मुलाकात के बाद शारीरिक संबंधों का बनना, और उस संबंधों में जब पति के द्वारा कुछ तकलीफें होने लगी थी तो उसे रास्ते से हटा देने के लिए ये सब षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229।